चलो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो रे? बढ़िया, मस्त, जोरदार। चलो बच्चों, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से कहानी को स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, हमारे नाम तो ले लो। अच्छा बेटा, चलो भाई। कमला बहन जी नमस्कार, हेमी बहन आपका भी नमस्कार, और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, सभी का नमस्कार। शुरू करते हैं आज की कहानी को इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के साथ, विद्युत फ्लक्स के साथ आज की कहानी को शुरू करेंगे। सर हम तो मरे मरे से दिख रहे हैं ना, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, क्यों मरे हुए भाई? नहीं, क्यों मरे हुए पहले तो ये बताओ, तुम अंदर से खुद को क्यों मार रहे हो? मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि आपसे बढ़ के कोई नहीं है इस दुनिया में, आपके लिए ना। तो आप अपनी पूरी ताकत के साथ खुद के लिए मेहनत करिए और हमेशा आगे बढ़िए। जीवन में छोटी मोटी बाधाएं सबके लाइफ में आती है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जीवन जो है वो रुक गया है। रोकना नहीं है, खुद को आगे बढ़ाना है और एक टारगेट हमेशा याद रखना है। और वो टारगेट क्या होता है? अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए 100 में से 100 लाने और अच्छे एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। आई ना बात समझ में? तो हमेशा लड़ो, खुद के लिए लड़ो। आई बात समझ में? चलो, थोड़ा सा कल की क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारण से, आज से कंटिन्यू क्लासें हो जाएगी। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना कि क्लासें जो लेट अपलोड होगी, क्योंकि हमारी भी स्कूल है जो ओपन हो चुकी है, तो स्कूल से आने के बाद में जो वो क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। हो सकता है कल मॉर्निंग में क्लास रिकॉर्ड कर लूँ, देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की। तो सबसे पहले कहानी से मैं आपको इसको सुनाऊंगा और समझाऊंगा, उसके बाद में आएंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले जो हिंदी वाले हैं ना, वो मुंह तान के बैठे ना, सर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है? लिख दे भाई, विद्युत फ्लक्स हिंदी में कहते हैं। सर फ्लक्स को इंग्लिश में फ्लक्स, तो हिंदी को भी फ्लक्स? हाँ बेटा, जो वर्ड फ्लक्स इंग्लिश में है वही वर्ड हिंदी में, लेकिन हिंदी में लिखना पड़ेगा फ्लक्स। सर कैसे लिखते हैं बता दो। अच्छा बेटा इधर आ जा, बहुत बढ़िया, तुम लोगों की तो बात ही अलग है यार। चलो, एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, याद है ना तुम लोगों को? आप लोग हमेशा शिकायत करते सर हमें घुमाने ले जाओ, हमें घुमाने ले जाओ। तो आप सभी जिंगूरों को, जो बचा पार्टी थी, उन सबको हम लोग घुमाने ले गए और हम लोग के गार्डन में गए। कहाँ गए? गार्डन के अंदर। गार्डन के अंदर क्या हो रहा था कि धूप आ रही थी सूर्य से, यानी कि सूर्य की किरणें जो है वो आ रही थी। तो मैंने बोला कि ये जो आपका गार्डन है, बेसिकली ये आपका वर्ल्ड है। क्या है वर्ल्ड? आप इस गार्डन में रह रहे हो, आपको समझना है। और दूसरी चीज मैंने ये समझाई कि जो हमारे पास में सनलाइट आ रही है, अर्थात सूर्य की किरणें आ रही है, वो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन। ध्यान से सुनना बच्चा, बच्चा पार्टी ध्यान से सुन, क्या कहा? हमारे पास में गार्डन है, वो हमारा क्या है? हमारा वर्ल्ड है, यानी हमारा जगत, हम उसमें रह रहे हैं, ऐसा मानना है आप लोगों को। दूसरी बात मैंने बताई कि ये जो सूर्य है, सन है, इससे जितनी भी किरणें आ रही है उसको आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड मानना है। क्या मानना है? इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी सूर्य की जो किरणें, मान लीजिए कि सूर्य यहां पे है और यहां पे आपका गार्डन है, तो सूर्य से सारी की सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो इस तरीके से आएगी। कैसे आएगी? इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स आएगी। ये बात मैंने बता दी। अब मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। अब मैं एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेके आया। क्या लेके आया? रेक्टेंगुलर फ्रेम। रेक्टेंगुलर फ्रेम का मतलब होता है आयताकार फ्रेम लेके आया। इस तरीके की एक मेरे पास फ्रेम है। चलो, ये एक मेरे पास फ्रेम है। इस फ्रेम को ध्यान से सुनना, इस फ्रेम को मैंने सूर्य के जस्ट पास में रखा, इस कंडीशन में रखा जैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन यहां से निकल सके। इस केस में क्या होगा कि जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स यहां से निकलेगी, जैसे कि ये आपकी एक आयताकार फ्रेम और यहां पे सन है, तो सन जो है वो जितनी यहां पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स को निकालेगा वो आपका फ्लक्स होगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आने वाला है। अब जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा तो इनके बीच में एंगल चेंज होता जाएगा और एक केस आएगा जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। उस केस में क्या कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन यहां से गुजर पाएगी? क्या? बिल्कुल नहीं गुजर पाएगी। उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? मिनिमम, मिनिमम बोले तो जीरो।
आई बात समझ में कि नहीं? एक चीज और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक सरफेस चाहिए। क्या चाहिए? सरफेस। इस सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से गुजरेगी उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है, वही आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। यानी कि हिंदी में साफ साफ भाषा में कहा जाए कि किसी भी सतह से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या, द पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया द परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी परपेंडिकुलर लाइन्स जो है वो पास होगी क्रॉस सेक्शन एरिया से, वही आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहलाएगा। तो मैंने आपको एक रियल एग्जाम्पल से भी समझा दिया कि आप लोग जब गार्डन में गए थे, वहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही थी, वहाँ पे सर एक फ्रेम लेके आए थे, फ्रेम को ऐसे रखा तो मैक्सिमम लाइन्स गुजर रही थी, और सर ने जैसे जैसे फ्लक्स, जैसे जैसे फ्रेम को चेंज किया वैसे वैसे एंगल भी चेंज हुआ, और वैसे वैसे फ्लक्स का अमाउंट वेरी हुआ, कम होता गया। एक केस ऐसा आया कि जब ये फ्रेम जो है परपेंडिकुलर हो गया, उस केस में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जीरो आ गया। अरे बच्चा बाटी बात समझ आई ना रे बेटा? कोई शक समस्या बुराई वाली बात नहीं है। चलो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं क्या होता है। इसके अंदर एक टर्म्स होती है जिसे कहा जाता है एरिया वेक्टर्स, क्षेत्रफल सदिश। क्या कहा मेरे बच्चा? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है ध्यान से सुनना। अगर ये एक सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से एक वेक्टर होगा, यानी कि अगर ये आपकी सतह हो जाती है, ये आपकी एक सतह है, एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से लंबवत एक सदिश गुजरेगा इस तरीके से, ये वेक्टर ही एरिया वेक्टर कहलाएगा। जरूरी नहीं कि ये वेक्टर आप ऐसे बनाओ, इसको आप नीचे भी बना सकते हो इस तरीके से। तो सबसे पहले अपने को किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? एरिया वेक्टर, अर्थात क्षेत्रफल सदिश की। क्या बोला? क्षेत्रफल सदिश की। यानी फ्लक्स के लिए कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बोला, इलेक्ट्रिकल फील्ड से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पास होगी सरफेस से या क्रॉस सेक्शन एरिया से, और दूसरी चीज बोली कि एरिया वेक्टर चाहिएगा। तो दो चीजें तो हम लोगों को चाहिए। तीसरी चीज, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर का अरेंजमेंट कैसे होगा वो अपने को पता, यानी इनके बीच में एक एंगल बनेगा वो भी चाहिएगा। तो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन, सेकंड एरिया वेक्टर, थर्ड इन दोनों के बीच में एंगल। आप लोगों को पता है ये जो फ्लक्स है ना, क्लास 12th के 6th चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लक्स में चेंज करोगे तो ईएमएफ और करंट आ जाएगी। वहां मैं बताऊंगा फ्लक्स में चेंज करना है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज कर दे, एरिया में चेंज कर दे, थीटा में चेंज कर दे। तो यह भी समझ लेना फ्लक्स चैप्टर नंबर 6 के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जहां पे आप लेंज और फेराडे पढ़ोगे उस बात को थोड़ा सा रोकते हैं और हमारी बात को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं सबसे पहले बात करूंगा एरिया वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? एरिया वेक्टर के बारे में। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। सब लोग हेडिंग लगा दीजिए, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। दिख रहा है ना बोर्ड पे? अच्छे से दिख रहा है, वाइट अक्षर है ना, दिख जाएगा। तो सबसे पहली चीज होती है हमारा क्षेत्रफल सदिश, यानी कि एरिया वेक्टर। क्या आज थोड़ा लिखा हुआ ही लिख आया हूँ मैं मैटर, क्योंकि लिखेगा कौन, थोड़ा ज्यादा था, क्लास को शॉर्ट में रखना था। क्षेत्रफल सदिश मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा अच्छे से। क्या बोला? कि एक सदिश राशि है सबसे पहली चीज, तो
क्षेत्रफल सदिश क्या है, एक सदिश राशि। तो हिंदी वालों को सीधा लिख देना कि ये एक सदिश राशि है। दूसरी चीज जो मैंने बोला, द डायरेक्शन ऑफ द एरिया इज परपेंडिकुलर द सरफेस, यानी कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो हमारे क्षेत्रफल के लंबवत होगी। तो लिख दो पहला पॉइंट कि क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है और इसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। हिंदी वालों कान खोल के, दिमाग खोल के, एंटीना ऊंचा करके लिख दो, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है, इसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। सर ये बात तो समझ गए, लेकिन गुरुजी बात ये आती है कि सर कैसे, हाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ द डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेसेस, कि सर ये कैसे डायरेक्शन जो होती है वो सतह के लंबवत होती है। ध्यान से देखना, सपोज दिख रहा हूं ना, चलो तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस एक्सिस के अंदर एक आपके पास में सरफेस है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर फ्रेम समझ लीजिए, और ये 2D में सरफेस में है। कहां है? 2D सरफेस में। और 2D सरफेस के लिए, 2D सरफेस के लिए मैंने बताया था कि डायरेक्शन जो अपवर्ड भी ले सकते हो और डाउनवर्ड भी ले सकते हो। यानी कि अगर ये फ्रेम ऐसे पड़ी हुई है, एक बार मैं आपको मेरी वाली फ्रेम से बताता हूं, अगर ये फ्रेम ऐसी है तो इसका एरिया वेक्टर यहां तो इस तरीके से जाएगा बाहर, क्योंकि ये सतह है, इस सतह के लंबवत सतह कौन सी आएगी, ये वाली। और अगर ये पीछे वाली सतह लंबवत है तो कहां आएगी, इसके पीछे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, आपकी तरफ भी हो सकती है और आपसे दूर जाती हुई भी हो सकती है। जब मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो ये एरिया की सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर यहां तो मैं लूंगा, देखो एक्स और वाई में बनी हुई, तो कहां आएगा इसका परपेंडिकुलर, जेड में आएगा। कहां आएगा? जेड में। तो ये हो सकता है प्लस जेड में भी जाए और हो सकता है माइनस जेड में भी जाए। इस तरीके से मैंने एरिया वेक्टर बना रखा है। अगर मुझे एरिया वेक्टर चाहिए तो ध्यान से देखोगे एक स्क्वायर है, क्या है बेटा, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। कितना होता है, ए स्क्वायर। अगर मैं एरिया वेक्टर अपवर्ड वाला लूं तो के कैप आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसी तरीके से एरिया में नेगेटिव लेता हूं तो ए स्क्वायर माइनस के कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, ए स्क्वायर माइनस के कैप आ जाएगा। तो आप दोनों डायरेक्शन में ले सकते हो, मैंने यही लिखा है कि दोनों डायरेक्शन सही है 2D सरफेस के अंदर। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास भी एक डिस्क है आर रेडियस की, इस डिस्क को मैंने रखा है जेड और एक्स एक्सिस में। अगर जेड और एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा, बोल बेटा वाई। कौन सा होगा, वाई। यानी वाई एक्सिस वो परपेंडिकुलर है। अगर ये रखा गया एरिया वेक्टर यहां तो ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। अगर ऊपर हो गया तो प्लस वाई डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आएगा, जे कैप। और यदि नीचे हो गया तो कौन सा आएगा, माइनस जे कैप। और इसका एरिया होता कितना है डिस्क का, सर्कुलर का, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर जे कैप को या पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप को, तो एरिया वेक्टर लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर जे कैप और पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप। आई बात समझ में? तो एरिया वेक्टर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, एक ऐसा वेक्टर जो सरफेस के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। तो गुरुजी ये बात तो समझ में आ गई, और यहां पे कोई शक संशय वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं, समझ में आ गया। बोलो यस या नो बच्चों, यस सर। तो आगे की बात करते, आगे की कहानी करने से पहले एक बात देख लो जल्दी से। हिंदी में भी लिखवा दिया था मैंने, ठीक है। चलो ये मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते, ये देखो अब हम बात करें 3D सरफेस के लिए, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट 3D में हो, उस केस में क्या होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट 3D में रखा गया है, यहां 3D ऑब्जेक्ट है,
उस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर आएगा वो हमेशा बाहर की तरफ आएगा। क्या कहा? उस केस में जो भी सरफेस आएगी उस सरफेस से बाहर की तरफ जाता हुआ एरिया वेक्टर आएगा। अच्छा गुरुजी कैसे आएगा ये बताइए। तो ध्यान से देखोगे, एक सरफेस लिए मैंने गन, तो गन की कितनी सरफेसें बनती है? 6। तो एक एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक इधर, एक इधर, एक बाहर की तरफ और इसके पीछे की तरफ। यानी जितनी सरफेस आपको दिखाई दे रही है उस सरफेस से बाहर जाता हुआ वेक्टर आएगा। क्या कहा? जितनी सरफेस दिखाई जाती है उस सरफेस से बाहर जाता हुआ दिखाई देगा। गुरुजी कैसे? एक्सप्लेन करो। तो ध्यान से सुनना। सपोज हमारे पास में इस तरीके की सरफेस है, तो एक एरिया वेक्टर आपकी तरफ ऐसे आएगा, नंबर वन, फिर नंबर टू मेरी साइड, नंबर थ्री राइट साइड, नंबर फोर लेफ्ट साइड, नंबर फाइव अपवर्ड डायरेक्शन और नंबर सिक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। अरे मग को नहीं देखना है? सिर्फ मग को देखने लग गया। अरे ये केएसएफ का मग है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि इसके अंदर जितनी सरफेस बन रही है उस सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर को लेना है। अरे बेटा किसको लेना है? परपेंडिकुलर वेक्टर को लेना है। सर कौन कौन सी सरफेस? दैट इज सरफेस नंबर वन, परपेंडिकुलर वेक्टर आपकी दिशा में। सरफेस नंबर टू मेरी साइड, मेरी साइड वेक्टर आ जाएगा। राइट साइड में सरफेस है तो वेक्टर राइट साइड में आएगा। अगर सरफेस लेफ्ट साइड में है तो वेक्टर लेफ्ट साइड में आएगा। सरफेस कहाँ है? ऊपर की तरफ, वेक्टर जा रहे ऊपर की तरफ। ये सरफेस कहाँ है? नीचे की तरफ, तो वेक्टर कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। आई बात समझ में? चलो एक सेकंड रुकिएगा। तो आपको क्या बताया कि जितनी सरफेस 3D में दिखेगी उससे बाहर की तरफ जाता हुआ क्या लेना है? एरिया वेक्टर। क्या लेना है? एरिया वेक्टर। बोलो यहां तक कोई शक और संशय वाली बात नहीं है? अब देखना ध्यान से, ये क्या है? ये एक सिलेंडर है जिसे बेलन कहते हो। वो देखो बेलन का नाम रहती मम्मी की याद आ गई। अच्छा बचपन में बहुत खाए होंगे ना बेटा। देखो ये सरफेस तो ऊपर की तरफ वेक्टर, ये सरफेस नीचे की तरफ वेक्टर, ये वाली कर्व्ड सरफेस तो इस तरीके से वेक्टर जाते हुए। यानी जहां जहां दिखे सरफेस उससे दूर ले ले वेक्टर। क्या कहा भाई? जहां जहां दिखे सरफेस उससे दूर जाता हुआ वेक्टर। ये गोला बॉल फुटबॉल देखिए रे, ये देख लो भाई इस तरीके से एक एरिया वेक्टर इधर 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 इधर, ये सारे एरिया वेक्टर्स हो गए। और बात करते अच्छे से और समझते हैं। अब थोड़ी सी बातें हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। पीपीटी से भी समझाना पड़ता है, फिर क्वेश्चन से भी समझाना पड़ता है। तो देखना बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में बता चुका हूं, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन एरिया। अरे सर यही तो बोल रहा है कि किसी भी सतह से गुजरने वाली लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, वही आपका क्या कहलाता है। सर यहां पर नॉर्मली का मतलब सिंपल? अरे सिंपल नहीं है, नॉर्मली का मतलब होता है लंबवत, परपेंडिकुलर उस सरफेस के। आई बात समझ में? आई ना, तो फिर डरते क्यों? इस तरीके से ये होगा। कैसे? ध्यान से देख लो। मान लीजिए एक सरफेस है आपके पास में इस तरीके से। मैंने आपको कहा कि एक सरफेस है जो इस तरीके से हमारे पास में गिवन है, अर्थात दी गई है। ये इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन। ये इसका एरिया ds। तो इस तरीके से अगर ये मान लीजिए आपकी सरफेस है जिसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कौन सा होगा रे? तो ये वाला जो बनेगा कि वो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अरे बोलो बेटा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो अब इन दोनों के बीच एक एंगल बनेगा थीटा, तो फ्लक्स क्या आएगा? तो ये वाला जो फैक्टर बनेगा ये ई है, तो ये वाला जो फैक्टर बनेगा वो ई कॉस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब भाई आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट करते हो तो क्या होता है, ई अगर यहाँ से थीटा एंगल पे है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। गुरुजी क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा।
तो फ्लक्स आ जाएगा ई कोस थीटा मल्टीप्लाई डी एस, तो डी फाई की वैल्यू आ जाएगी ई डी एस कोस थीटा, लास्ट में जो आ जाएगा डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। तो यही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला भी होता है, यही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला भी होता है, यहाँ सूत्र भी होता है। तो कभी भी फ्लक्स निकालना हो तो आपको ई और एरिया वेक्टर की बीच एंगल की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की रिक्वायरमेंट है और एरिया चाहिए। सीधा निकालो एंगल, डॉट प्रोडक्ट कर दो, बस स्केलर प्रोडक्ट कर दो, खत्म कहानी। स्केलर प्रोडक्ट बोलो, अधिस गुणन कर लो, कुछ नहीं। चलो ज्यादा फास्ट हो तो बता देना ना। अब ध्यान से देखना और समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये बता दिया मैंने, वही लाइन लिखी हुई है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया एस, एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो वहां से गुजरेगा या निकलेगा एक समतल सतह से, उसका मान ये होगा फाई बराबर ई डॉट डी एस, जहां पे उसका एरिया कितना है एस। डी एस क्या है? तो डी एस एक छोटे से भाग के, छोटे से एलिमेंट के लिया गया वेक्टर, ये ध्यान रखना आप लोग। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे कंप्लीट निकालना हो फाई, तो क्या करोगे, इस पूरे छोटे छोटे डी एस के जितने भी भाग बन रहे सबको जोड़ दो, तो फाई बराबर क्या आ गया, इंटीग्रेशन डी फाई। कितना आया? इंटीग्रेशन डी फाई। और जैसे ही इंटीग्रेशन डी फाई आया प्यारे बच्चों, तो फाई बराबर ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कर लो, तो इस तरीके से आपके पास में ई डॉट एस बन जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डी एस क्या बनेगा, पूरे सरफेस का एरिया, तो लास्ट में आ जाता है ई डॉट एस आ जाता है, या कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं फाई बराबर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करो एरिया वेक्टर के साथ में, तो कुछ लोग ए से भी लिखते हैं और कुछ लोग एस से भी लिखते हैं। तो आपका जैसा मन हो वैसा लिखे, एक बार स्लाइड को देख ले अच्छे से। ये रहा फॉर्मूला फाई बराबर ई एस कोस थीटा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस पीपीटी में मैंने बहुत शॉर्ट में समझा रखा था। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सरफेस। ऑप्शन देखना ध्यान से, नॉर्मली पैरेलल 860 डिग्री 830। हिंदी वाले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है वो कैसे परिभाषित होता है, कि वहां पे जो नंबर ऑफ लाइन्स गुजरती है यानी कि विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो सतह के कैसी होती है, ये सवाल है। कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स तब परिभाषित होता है जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के कैसी होती है, या सरफेस के कैसी होती है। विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा यहाँ पे, सतह आएगा, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे विद्युत फ्लक्स तब परिभाषित होता है जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सतह के होती है। कैसी होती है? लंबवत। नॉर्मली बोला था सर आप ना डिजिटल टिक लगाऊं, ये ले डिजिटल टिक। अगला सवाल, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इन द एलिमेंट्री एरिया डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड फील्ड। वेक्टर, स्केलर, टेंसर, यानी कैसा गुणा होता है एरिया और इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो मल्टीप्लेक्शन लेते हैं अर्थात प्रोडक्ट लेते हैं, ये कैसा होता है? तो ये स्केलर होता है, मैं पहले ही बोल दिया। स्केलर बोले तो अदिश, तरीके से अदिश होता है। चलो अब ध्यान से सुनना, मैं पूरा समझा चुका हूं, अब थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। एक बार देखो व्हाइट जो बैकग्राउंड आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक करो, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है ना। चलो ध्यान से सुनो, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है।
इस सरफेस से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से गुजर रही है व्हाइट वाली, और इस सरफेस से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन गुजर रही है व्हाइट वाली। अब ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 = 5 लिखा। उसके बाद ध्यान से देखना आप लोग, 1, 2, 3 तो कितनी गुजर रही है, 3, यानी जितनी नंबर ऑफ लाइंस जाएगी इलेक्ट्रिकल फील्ड की उतना ही क्या होगा, फ्लक्स, यानी कि जितनी सतह से विद्युत बल रेखाओं की संख्या पास होगी ना उतना ही मेरा फ्लक्स होगा। ये बात कही सर, हेडिंग में क्या लिखा, मैंने यही तो कहा जो आपको बताया, फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैं आपको दो बार बता चुका हूं। चलो आगे देखना, अब यहां पे देखो कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को ये बता रहे हैं यूनिफॉर्म। अब यहां से कितनी लाइन गुजर रही है, 2, यहां से कितनी गुजर रही है, 4। तो अब जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन तो अभी भी 4 है, लेकिन इसका एरिया कम था, इसका एरिया ज्यादा था, तो अब किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एरिया के। पहले किसके प्रोपोर्शनल था, इलेक्ट्रिकल फील्ड के, अब किसके, एरिया के। अब इन दोनों का ओरिएंटेशन लो, वही जो मैंने समझाया था, ये आपकी सरफेस है, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर इस तरीके से, और इसका आप कंपोनेंट लोगे ई कॉस थीटा, ये ए, तो फाई इस बार किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कॉस थीटा के, वही बात है जो समझाइए, तो फाई ई के भी प्रोपोर्शनल, ए के भी प्रोपोर्शनल और कॉस थीटा के भी प्रोपोर्शनल। तो फाई बराबर क्या, ई ए कॉस थीटा, कितना बेटा, ई ए कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, कौन है, क्या है बेटा, कौन, एंगल किसके बीच में, ई तथा ए के मध्य बनने वाला कौन। तो कभी भी विद्युत फ्लक्स लिखोगे तो फाई बराबर ई डॉट ए, ई ए कोस थीटा, जहां थीटा ई तथा ए के मध्य बनने वाला कौन है। ये बात तो गुरुजी समझ में आ गई, जो आपने बताई थी उसी का रिपीटेशन किया है। अब आगे बढ़ते और बात करते, वापिस ध्यान से सुनिए, विद्युत फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट पूछे तो क्या आएगी, न्यूटन अपॉन कूलम गुणा मीटर स्क्वायर। और आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड की एक यूनिट और पढ़ी थी, वोल्ट अपॉन मीटर, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी एक और यूनिट आती है, वोल्ट इंटू मीटर, क्या बन जाती है, वोल्ट इंटू मीटर। तो दो आपको अगर मात्रक पूछे तो एक तो ये वाला मात्रक है आपके पास में, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, और एक कौन सा है, वोल्ट इंटू मीटर, ये दो मात्रक हो गए। ये राशि कैसी है बेटा, फ्लक्स, अदिश राशि है, क्योंकि गुणा भी अदिश हो रहा है, तो राशि कैसी होगी, अदिश। चलो ये वापस वही सारा बताया है, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसा होना चाहिए, लंबवत, जो मैं कब से बोल ही रहा हूँ और आप सुन रहे हो, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सेम है, सिमिलर है। चलो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या करें, यानी कि जब असमान विद्युत क्षेत्र आ जाए उस केस में क्या होगा, जब हमारा विद्युत क्षेत्र असमान हो उस केस में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेरी हो रहा है। अब क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, उसका एरिया कितना बनेगा, डी ए, जो मैंने अब थोड़ी देर पहले ही बताया था, और इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, ई, तो डी फाई निकालोगे तो कितना बनेगा, ई डॉट डी ए, जब नेट फ्लक्स निकालोगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका नेट फ्लक्स होगा ना, वो रहेगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए रहेगा। आई बात समझ में, यहाँ तक तो कोई शक संशय बुराई वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देख लो, अब देखो बेटा ये दो केसेस हैं। ये केस कुछ याद है आपको कि फ्रेम जो थी जब बिल्कुल ऐसे रखी गई थी सन के पास में, ये सन है और सन से सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, उस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम रही थी, क्या रही थी, सेम, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो, सेम।
और जब दो चीजों की डायरेक्शन सेम हो तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, बोल बेटा जीरो, कितना बनेगा बेटा जीरो, एंगल जीरो तो वैल्यू कोस जीरो वन, तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना आया ई। अब ये वो केस है जब आपने सन के परपेंडिकुलर फ्रेम रखी थी, एंगल कितना 90, कोस 90 कितना जीरो, तो फ्लक्स भी कितना जीरो, ये ध्यान रखना। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स का केस है और ये जीरो आएगा, तब मिनिमम का मैंने नहीं बोला है, मिनिमम नेगेटिव आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। एंटर फ्लक्स नेगेटिव होता है और जो एग्जिट फ्लक्स होता है, एक्सटर फ्लक्स जो बाहर निकलता है वो पॉजिटिव होता है, जो हिंदी में निर्गत और निवेशी फ्लक्स कहते हो, वो भी लिखाओ सर। फ्लक्स दो प्रकार से आता है, निर्गत फ्लक्स, निवेशी फ्लक्स नहीं लिखवाऊंगा। अगर सरफेस के अंदर लाइनें आ रही हैं तो वो निवेशी है, सरफेस से बाहर निकल रही है तो निर्गत है, ये ध्यान रखना। चलो पहला सवाल आ गया हमारे पास इस तरीके से। आज एमसीक्यू साथ में ही ले रहा हूँ ना, अलग से क्लास नहीं कर रहा, क्यों? क्या मुझे पूरा ना गाउस और गाउस की एप्लीकेशन एक साथ करवानी पड़ेगी, एक क्लास लंबी होगी अगली बारी नेक्स्ट। ये सवाल है बेटा, सर जूम करना दो डायग्राम को, तो बेटा बड़ा नहीं होगा क्या? चलो इस तरीके से दे रखा है आपको, मैं समझा देता हूं, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। ये रहा क्वेश्चंस, आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द प्लेन सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस आर। हिंदी वाले सवाल लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम बना लेना, लिखना कुल फ्लक्स ज्ञात करें। अगर आप सवाल को लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, प्लेन समतल वर्तीय सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा जब इसकी त्रिज्या कैपिटल आर हो। आपको बताया मैंने एरिया वेक्टर सबसे पहले चाहिए, क्या चाहिए एरिया वेक्टर। अब कुछ लोग क्या खेम करेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे ले लेंगे। देखो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये एरिया वेक्टर, और देखो सर इनके बीच में कोण 30 है, तो फाई बराबर कर देंगे ई डॉट ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई डॉट एरिया, इसका क्या ले लेंगे, सर्कुलर सरफेस है, पाई आर स्क्वायर कोस 30, कोस 30 बोले तो साइन 60, साइन 60 कितना होता है रूट 3/2, ई पाई आर स्क्वायर, और इसको टिक कर देंगे, जो सरासर गलत है बेटा। इसलिए मैंने इतनी थ्योरी क्यों समझाई, ऐसे नहीं करना है। देखो इस डायग्राम को मैं अलग से भी बना लेता हूँ जिसे तुम्हें बड़ा दिखाई दे थोड़ा सा। ये 30 डिग्री क्या एंगल दे रखा है, 30 डिग्री जो एंगल दे रखा है वो बेसिकली आपको गिवन है, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से बनने वाला एंगल, ये 30 डिग्री आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में गिवन है। लेकिन हम लोग एंगल किसके बीच में लगे, एरिया वेक्टर के बीच में, एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ तो ऊपर की तरफ होगा, यहाँ नीचे की तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर इसका इधर आएगा, किधर आएगा, एरिया वेक्टर इधर आएगा। अब ये इसके साथ में 30 बना रहा था, इस एरिया वेक्टर इसका जो कोई इसके साथ में क्या बनेगा, मान लो यहाँ एरिया वेक्टर लेते हैं तो ये कितना बनेगा 30, तो ये 60 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तब आप फ्लक्स निकालोगे, एक्चुअली मुझे यहाँ से लाइन क्रॉस करती हुई लेनी थी जो मैंने नहीं लिया, चलो अपन एक लाइन और बना देते हैं जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए समझने में, इस तरीके से।
अब ध्यान से देखना, ये एंगल 30, यहाँ वाला भी 30, तो ये बन गया 60। तो थीटा बराबर कितना आ गया बेटा, 60। तो फाई बराबर क्या होगा, ई डॉट ए कोस 60, ई डॉट ए कोस 60 साइन 30 1/2 ई ए अपॉन 2, एंड ये आ जाएगा फाई बराबर ई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा इस तरीके से। चलो जल्दी कर लो फिर आगे सवाल करवाते। कुछ लोग समझेंगे अक्सर ये ऐसे रखी हुई है क्या, ऐसे नहीं रखी हुई बेटा, ये इस तरीके से रखी गई, तभी तो इसके सेंटर से इसने एंगल बनाया है, इस तरीके से रखी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरीके से जा रहा है सेंटर से, तो एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो इनके बीच में एंगल बन जाएगा 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में इसकी अरेंजमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये अक्षी जिसने ऐसे परपेंडिकुलरली अर्थात ये ऐसे रखी गई है, इसको देखो, अब इस बार ऐसे रखा गया, ऐसे रखा गया, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि इसने लिखा है, उसमें लिखा हुआ नहीं था, इसमें इसने लिखा है, और लिखा क्या है ध्यान से सुनना, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स जो है वो सेम प्लेन में, यानी जिस तल में ये आपकी वृत्तीय सतह है उसी सतह में कौन है इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी ये ऐसे रखी गई है, इस तरीके से रखी गई है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रहा है, तो दोनों सेम तल में। अब इसका एरिया वेक्टर निकालोगे तो वो क्या आएगा, ऐसे आएगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ही ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो कितना एंगल बना, 90। और जब एंगल 90 होता है ना, उस केस में फ्लक्स कितनी आ जाती है, उस केस में फ्लक्स 0 आती है, क्यों, ई डॉट ए कॉस 90 बन जाता है, तो कॉस 90 कितना हो जाता है, 0, तो नेट फ्लक्स भी क्या हो जाती है, 0। चलो डायग्राम बना लो जल्दी से करो। दो का सवाल है एग्जाम का, नीट के पेपर का, समझ लो, कर सकते हो आप लोग। ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल, हमारे पास में एक वर्गाकार सतह रखी गई है जिसकी भुजा एल है, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ साथ साथ में हिंदी बोल रहा हूँ, लिख देना जिसको लिखना है। प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ई, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी गई, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन इट एंगल ऑफ थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये जो वर्ग वाली हमारे पास में वर्ग वाली जो सतह है वो दोनों एक ही विद्युत क्षेत्र, एक ही विद्युत क्षेत्र नहीं बेटा, एक ही तल में है, जैसे पिछले केस में हुआ था, ये दोनों एक ही तल में थे, तो ये दोनों इस बार भी क्या एक तल में, यानी इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है और इस तरीके से आपकी फ्रेम रखी गई, और जब दोनों एक ही तल में होते हैं तो आपका एरिया वैक्टर कैसे आता है, ऐसे लंबत आता है, और जब एरिया वैक्टर लंबत आता है थीटा कितना होता है 90, और जब थीटा 90 होता है तो फ्लक्स कितना आता है 0। 2010 के पेपर का सवाल। उसी तरीके से अगला सवाल देखो, ये वाला भी सवाल 2006, सेम सवाल है, पढ़ना करना उत्तर आएगा 0, क्योंकि देखो ये आपकी जहां पे रखा गया है उसी तल के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, अब कुछ कंसेप्ट समझाते हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, देखना बेटा ध्यान से, हमारे पास में इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रहा है और आपने इस तरीके से एक आपने सीट रखी है जिसकी भुजा कितनी है एल। अब ध्यान से देखना, आपको क्या चाहिए एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर आएगा, तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर। अब ये इसका एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मान लो इस तरीके से एरिया वेक्टर आता है, सपोज दैट इस तरीके से एरिया वेक्टर, इस डायग्राम को यहाँ कंसिडर करते हैं, ये इसका एरिया वेक्टर और ये इसका क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड, सॉरी ये इसकी प्लेन है, तो ये इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये रहा इन दोनों के बीच एंगल, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो
यहाँ क्या कर दोगे, ई ए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। एक ये जो है हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो एल का मल्टीप्लाई एल से कर दो, एल स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगुलर स्क्वायर, तो ई एल स्क्वायर साइन थीटा इसका फ्लक्स आ जाएगा। आई बात समझ। चलो सेम केस ये वाला भी देखो, खुद से करना, इसका आंसर क्या आएगा बताना, इसका आंसर क्या आएगा व इसका आंसर क्या आएगा, खुद से करने की कोशिश करना अच्छे से। जब अच्छे से करने की कोशिश करोगे तो आपका उत्तर भी आ जाएगा। चलो पहले वाले का बताओ क्या आंसर आएगा बेटा, पहले वाले का आंसर बोलो जल्दी से। तो पहले वाले का आंसर बोलो, फिर दूसरे वाले का बोलो। पहले वाला तो आसान ही है, ई और ए के बीच एंगल थीटा, तो ई एल स्क्वायर कोस थीटा। दूसरे वाले में देखो एरिया वेक्टर, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है, तो एरिया वेक्टर इस बार ऐसे रखेगी, ये सरफेस को इस बार जो सरफेस है वो ऐसे रखी गई है, इस तरीके से रखी गई है, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और जब एरिया वेक्टर ऐसे होगा तो दोनों के बीच एंगल क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा साइन थीटा। डायग्राम बना लो फटाफट जल्दी से। जल्दी करना, लाइटें चली गई है तो ये बंद हो जाएगा, एक लाइट में स्टार्ट रखनी पड़ेगी, बाकी सारी लाइट मेरे को बंद करनी पड़ेगी, ये वाली बंद कर देते हैं ना। चलो चलो थोड़ा सा मैं ना ब्लैक दिख रहा हूँ, चलेगा कुछ नहीं है ना, अब क्लास को तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलो थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे ना, चलो किस्मत बहुत अच्छी है यार, लाइट जाके वापस आ गई यार। सर अब आप थोड़ा सा चमकते हुए दिख रहे हैं, पता चला लाइट का इफेक्ट कितना होता है। ये देखो सवाल बहुत प्यारा सवाल है, सब में फ्लक्स ही निकालना है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, कर्व्ड सरफेस के बारे में बात की, एक हेमिस्फीयर है ध्यान रखना, कुछ नहीं बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यहाँ से ज्ञात करोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, दोनों के बीच एंगल कितना बन गया 180, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर, माइनस लगा हुआ नहीं ये, तो चलो एक ये वाला है ना आप देख लेना ना, ये वाला सवाल होमवर्क में है बेटा, ये मैं आपको समझा देता हूँ, अगर ये ऐसे रखा हुआ होता है ना उस केस में ई पाई आर स्क्वायर आता है, और अगर मान लो ये अंदर से गुजरता हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है परपेंडिकुलर, जब आप इसको रखते हो इस तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने, अब ये दोनों सेम प्लेन में, और जब ये ऐसा हो जाए उस केस में ये एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आता है तो उसका एरिया डबल हो जाता है 2πr², तो यहाँ पे ये आंसर आता है, ये ध्यान रखना। चलो सबसे लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, होमवर्क तो नहीं अभी करवा देते, देखो इसमें कुछ नहीं है, ध्यान से देखना, एक्स वाई और जेड तीन डायरेक्शन आपको दे रखी है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखा है, कौन से डायरेक्शन दे रखा है एक्स डायरेक्शन, सरफेस से कितनी बनेगी 6 बनेगी, कितनी बनेगी 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले देखो कि कौन कौन सी सरफेस के अंदर 90 एंगल आ रहे हैं, वहाँ का फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो देखो एक तो चौथी सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, थर्ड सरफेस का ऐसे होगा, फिफ्थ का ऐसे होगा, और सिक्स का ऐसे होगा, यानी कि 3, 4, 5 और 6 इन सरफेसेस का एरिया वेक्टर जो है वो 90 डिग्री पे है, तो इनका फ्लक्स आ जाएगा 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6, कितना आ गया 0 आ गया। जीरो अब दो सरफेस बची 5, 1 और 5, 2। 5, 1 कितने एंगल पे, तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड आएगा, इसका एरिया वेक्टर इस साइड आएगा, तो इसमें देखो ये इलेक्ट्रिकल इधर जा रही है, जब इलेक्ट्रिकल फिर इधर जाएगी तो दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड कितने होंगे 180 पे होंगे, तो इसका आ जाएगा ई एरिया में ए ले लेता हूँ कोस 180, तो माइनस ई, इसका एरिया वेक्टर कैसे लोगे इस डायरेक्शन में लोगे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो ये बन गया ई ए कोस 0 या गया ई। देखो मैंने बोला भी था कि जब लाइन एंटर होगी तो ये फ्लक्स कैसा कहलाता है निर्गत फ्लक्स, एंटर फ्लक्स, और ये एग्जिट फ्लक्स
यानी निवेशी फ्लक्स। और मैंने बोला था निर्गत फ्लक्स हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। ये देखो क्योंकि एंगल 180 हो जाता है, और निवेशी फ्लक्स पॉजिटिव होता है, एंगल जीरो हो जाता है। तो नेट फ्लक्स क्या आया, चार सरफेसों का फ्लक्स जोड़ो जीरो प्लस ये इस वाली सरफेस का, इस वाली सरफेस का, एक लाइन लिख देना क्लोज लूप हो और फ्लक्स एंटर होके बाहर निकल रहा हो। अच्छा सवाल है, जब क्लोज लूप हो फ्लक्स एंटर होके बाहर निकल रहा हो, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जीरो आता है। क्या कहा, क्लोज लूप हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एंटर हो रही है और वापस बाहर भी निकल रही है, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जीरो। लिख दो बात को, बस ये लास्ट सवाल ही था मेरे हिसाब से, ये सरफेस से वाले ना, ये देख लो इस तरीके से मैंने लिखा भी अलग से आपके लिए। चलो लास्ट सवाल है, चलो इसका नेट कैसे होगा। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला कि जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतनी निकले। क्या बोला, जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश हो रही है उतनी बाहर निकले, सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड। क्लोज्ड बोले तो बंद लूप, तो फ्लक्स का मान सीधा सीधा जीरो। ये लिखा हुआ, ये नोट करके लिखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में बंद लूप या बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान जीरो आता। चलो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, तो विदा लेते हैं। देखिए लाइट जाने के बाद में भी क्लास वापस कैरी हो गई, ठीक है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है ना। चलो बच्चों धन्यवाद, राधे राधे। आज के सेशन को पढ़ लीजिए, अब गाउस करवा के गाउस की एप्लीकेशन साथ में करवाऊंगा। यहाँ तो दो पार्ट में लेक्चर डालूंगा, एक दिन में डालूंगा, ठीक है। यहाँ तो दो पार्ट में डालूंगा, दो पार्ट में डालने जितना है नहीं। गाउस पढ़ाओ, गाउस के तीन डेरिवेशन है, चार डेरिवेशन करवाओ, खत्म। चलो बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है कल वाली, ध्यान रखना।